रोज आनी है खुदा की बादशाहत में, जिसम ने जाना और जो रोज आनी है उसकी तैयारी के लिए ये पांच सेवक दिए हैं, और ये पांच सेवक की सेवकाई में जो लोग तैयार होंगे वही दुल्हन बन सकते हैं, दूसरा बन सकता। और परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है कि हम दुल्हन बने, हालेलुया, नहीं तो वरना फिर जैसे लिखा ना दानियेल की किताब में, उनमें से बहुत तेरे लोग जिंदा हो गए, कितने सारे नहीं हुए, बहुत तेरे लोग जो है वो जिंदा हो गए, कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए और कुछ हमेशा की शर्मिंदगी के लिए। अब जो हमेशा की शर्मिंदगी के लिए है उनके लिए ये हमेशा नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन शर्मिंदगी रहेगी कि काश जो मुकाम इनको मिला वो मुकाम हमको भी मिल पाता। तो खुदा चाहता है कि उस मुकाम तक हम पहुंचे, तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर कलीसिया में ये पांच सेवकाइयों का होना बड़ा जरूरी है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा कलीसिया में से ही खड़े करे। हालेलुया, हमको बाहर जागने की जरूरत नहीं है, खुदा के आगे दुआ कीजिए। यदि कोई गैर जुबान बोलने वाला है तो खुदा से दुआ करें कि खुदावंद इसकी ट्रांसलेशन करने वाला भी हमारे बीच कोई खड़ा कर, ताकि लोगों को आशीष, यानी कि हमने जो कुछ करना है कलीसिया की तरक्की के लिए, उसके बच्चों की बेहतरी के लिए करना है। हालेलुया, ईमान हमारा है और खुदा ने हम पर कितना विश्वास किया है। खुदा ने एक खादम को अपना बेटा दिया है, जो नया जन्म पाता है ना वो खुदा अपने खादम के हाथों में देता है कि ले और इसकी परवरिश कर। अब उसके साथ जो गलती करेगा खुदा उस खादम को भी छोड़ने वाला, बड़ा भरोसा करके मेरे हाथ में दिया है कि ले मेरे बच्चे की परवरिश कर। यहाँ की दुनिया के जो बादशाह लोग हैं ना, वो जो खास करके जो बादशाह ही करते हैं, जो डिक्टेटर हैं, जो वो उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे का बताते ही नहीं है जिसको बादशाह बनाना होता है, उसको तभी सामने लाया जाता है जब बादशाह का काम पूरा होने वाला होता है, और उनको ऐसे विश्वास योग लोगों के हाथों में दिया जाता है जो जरूरत पड़ने पर उसकी जगह पर लाकर उसे खड़ा। तो दुनिया में यदि लोग इतनी बारीकी से सोचते हैं तो खुदा ने हम पर कितना भरोसा करके अपने पुत्रों को हमको दिया है कि तुम इसको मेरे लायक बनाओ। तो छोटी जिम्मेवारी नहीं, लेकिन आजकल तो स्टेज पर लोग नहीं, कोई बात नहीं, खुदा को पापो पुप्पो से आप जो मर्जी करते रहो, बस आप तो उसके घराने में हो गए हो, अब आपकी टिकट स्वर्ग की पक्की है। कितने हुक्म कानून विधियां दी थी जी खुदा ने इसराइलियों को, हाँ जी कितनी जी, 620, हाँ जी 600 कितनी जी, कानून हुक्म और विधियां 631 कानून और विधियां दी थी खुदावंद। तो क्या जरूरत थी एक ही हुक्म दे देता, और खुदा ने धोखे भी रखा। हम लोग यहां पर, मेरे को कनेडा का पता नहीं, अमेरिका में यहां कहीं उन्होंने कोई कैमरा लगाया ना, वहां पर लिखा होगा आगे स्पीड कैमरा है, यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाकर भी उनकी फोटो नहीं खींचते, लिखा होता है कि वहां पर कैमरा है, आप लोग अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लो। क्यों? क्योंकि वो लोग, कानून का मतलब लोगों को सजा देना नहीं है बल्कि जुर्म करने से रोकना है। तो इनकी मुसीबत क्या बनी इसराइलियों की, खुदावंद खुदा ने पत्थर की पट्टियों पर लिखकर 10 हुक्म दिए, बाकी कानून और विधियां दी, और कहा कि ये ले इसराइलियों के सामने जाकर खड़ा हो और उन्हें पढ़कर बता। तो मूसा ने एक एक जो खुदा का कानून था उनको पढ़कर बताया, फिर खुदा ने पूछा अब इनसे पूछ कि ये जो मेरे हुक्म कानून विधियां हैं क्या ये इसके साथ सहमत हैं और ये इकरार करते हैं कि हम इसके ऊपर चलेंगे। बेवकूफ थे इसराइली, एकदम हाथ खड़े कर दिए, बोलते हाँ हम चलेंगे। ऐसे ही आज तौबा किए हुए बंदे का भी हाल है, वो भी तौबा करते वक्त कुछ नहीं सोचता कि मैं चल पाऊंगा भी के नहीं, उस वक्त फटाफट कर देता है, बस जी ओके रिपोर्ट होगी जी, मैं खुदावंद आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, जैसा तो कहेगा मैं वैसा करूंगा। तीसरे चौथे हफ्ते ही हालात जो है बदलने शुरू हो जाते हैं। खुदा के साथ जब कमिटमेंट करनी है तो बड़े सोच समझ कर, हालेलुया। लेकिन आज मुसीबत क्या बन गई, एग्रीमेंट करके लोगों को लाया जाता है, कमिटमेंट करके नहीं। कैसे लाया जाता है जी, पत्नी यदि पति के साथ कमिटमेंट करके आएगी तो उसकी जिंदगी और है, यदि एग्रीमेंट करके आएगी तो सवेर दा खाना तू बनाना, शाम दा एक दिन कपड़े तू धोने, दूजे दिन, हां जी एक दिन पोचा तू मारेगा, तो दूजे दिन
ਏਦਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ सिस्टम में यदि पत्नी एग्रीमेंट करके आएगी वो घर उजड़ जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में एक फिल्म भी बनी थी एग्रीमेंट शादी के ऊपर, उसमें उन्होंने समझाने के ही बारे में बताया था कि असल में शादी जो है वो एग्रीमेंट नहीं होता, शादी जो है वो कमिटमेंट होती है। पलूस कहता है मैंने मंगनी कर दी है तुम्हारी, जिसके साथ शादी होने वाली है उसके साथ मंगनी कर दी है, एग्रीमेंट करके नहीं की बल्कि कमिटमेंट करके। एग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है परंतु कमिटमेंट तोड़ी जा सकती, लेकिन वो वायदों का सच्चा खुदा है कहकर बदलता नहीं। तुम चाहे बेवफा हो जाओ पर मैं वफादार खुदा। हालेलुया। उसने उनके बाप दादाओं से जो वायदे किए थे कितने भी बेगैरत निकले लेकिन उनके वायदे के कारण उनको पूरी तरह उजाड़ा नहीं। तो सीधी सीधी बात क्या है, इनके साथ उसने ऐसा किया ना इनको सुखी रहने दिया और ना ही दुखी किए। क्यों? उनके साथ जो इकरार थे ना वो अपना वादा करके पीछे हटता नहीं। हालेलुया। इन्होंने हाथ खड़े किए हमको मंजूर है, उस वक्त कह देते नहीं मूसा खुदा को कह थोड़ा सा काम करे थोड़ी सी गुंजाइश करे तो हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इन्होंने फटाफट साइन करके दे दिया कि हम ऐसे चलेंगे। खुदा कहता लो बेटा फिर अब चल, तो चल नहीं पाया कोई। इसलिए यसुमसी को आकर कहना पड़ा मैं शरा को रद्द करने नहीं बल्कि जिस बात को लेकर तुम लोगों ने हाथ खड़े किए थे तुम लोगों से तो पूरी नहीं हुई, मैं उसे पूरा करने। अब बताओ तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित, शरीयत के मुताबिक मुझ में कोई भी गलती पाई नहीं। उसके बाद एक दास है खुदा का जो लिखता है मैं बिन्यामीन के गोत्र में से हूं, 8 दिन का सुन्नत किया हुआ। वो लिखता है यदि शरा की बात करो तो निर्दोष। हालेलुया। कौन है खुदा का दास? संत पॉल लिखता है यदि शरा की बात करो तो निर्दोष। छोटी बात नहीं है ये कहना, एक बंदे के लिए शरा पूरी करना बड़ा मुश्किल काम था। तो पलूस कहता है कि शरा की बात करो तो निर्दोष, परंतु फिर भी मुक्ति पाने के लिए यीशु की शरण में आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शरा जो थी वो पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई थी, पाप माफ करने के लिए नहीं। शरा आईना थी, बोलती थी इकबाल गिल तेरा मुंह गंदा है इसे साफ कर। वो साफ करेगी नहीं। तो इन्होंने खुद कहा कि हम लोग चलेंगे, तो खुदा बोलता चल तो चल पाए, इसीलिए मार खाते रहे। तो जब भी खुदा से कोई बात करो पहले सोच लो कि मैं इस पर चल पाऊंगा कि। मैंने कई बहनों को देखा उन्होंने जैसे मसीह में वहां पर हम दवाई नहीं खाएंगे, जैसे ही बाद में पथरी की प्रॉब्लम हुई तो साथ ही दवाई भी शुरू होगी। तो तेरे को किसने बोला, क्योंकि दवाई खाना तो पाप नहीं है, तो तेरे को किसने बोला था कि तू दवाई खाने से मना कर। लेकिन जो दवाई नहीं खाता वो और भी मुबारक है। हालेलुया। दवाई खाना पाप नहीं है क्योंकि पाप से परमेश्वर को नफरत है। दवाई खाना पाप नहीं, परंतु यदि किसी का ऐसा ईमान है कि वो इसके बिना चल सकता है, हर चीज को फेस कर सकता है, यदि नहीं खाता है तो लोगों के लिए वो एक और नमूना करके अपने आप को पेश करता है। हालेलुया। तो देखते हैं हम लोग खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोग यहां तक पहुंचे थे, इसमें हमने देखा कि अदन के बाद का जो इंसान था इसके पास शरीर था, प्राण था और आत्मा थी। जब खुदा ने इसके शरीर को बड़ी ही लगन से बड़ी मेहनत से बनाया और वो लगन और मेहनत में खुदा की पूरी वो अगापे मोहब्बत थी। हालेलुया। इसकी एक एक नस को बड़ी मोहब्बत से रच रहा है। कितने दिनों में बनाया जी सारा कुछ परमेश्वर ने? सारे बोला इतना तुम बताइए कितने दिनों में? 6 दिनों में बनाया। 6ठे दिन में इस आदम को रचा कुछ काम करके, बाकी का सारा टाइम किसको दिया? इस आदमी को बनाने के लिए। कितना समय लगा? लगभग 900 साल। कितना जी? कम से कम 900 साल।
तो अब आप बताओ कि परमेश्वर के लिए मुश्किल था इसको पलक झपकते ही बनाना? हाँ जी, लिखा है ना कि जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी हम पलक झपकते ही और के, यदि वो हमको और का और बना सकता है तो इसको नहीं बना सकता था? जब सब कुछ उसने कहा मिट्टी को पैदा कर दे तो इसको भी तो पैदा कर सकता था। परमेश्वर को एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो रूबरू होकर बात कर सके, जो उसे समझ सके और जिसे वो समझ सके। तो जितनी भी कायनात तैयार की उसमें से कोई परमेश्वर को ऐसा नजर नहीं आया, अपनी मोहब्बत से इसको सर्जा, इसकी एक एक नस को बड़े ही प्यार से बनाया, बॉडी बना दी, बॉडी में 5 सेंस रखी, देखना सुनना सूंघना चखना छूना, फिर इसके अंदर उसने प्राण को सिर्जा। प्राण में भी 3 चीजें रखी, बुद्धि भावना और इच्छा शक्ति, जिसे आजाद मर्जी कहा जाता है, फ्री विल। फिर इसके अंदर आत्मा की रचना की और आत्मा में उसने इसके विवेक रखा, अंतर ज्ञान रखा और संगति रखी। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये मिट्टी का है और इसमें कोई हलचल नहीं है। क्या क्या इसके पास है? बॉडी भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है, परंतु कोई मूवमेंट नहीं है। हालेलुया। आज भी हम लोग कई लोग ऐसे ही हैं, सब कुछ है लेकिन मूवमेंट नहीं। क्यों? मूवमेंट का भाई लिखा, जैसे ही उसने उसके नथनों में अपना श्वास फूका वो जीवता प्राणी बन गया। तब ये सारी बातें जो थी उसके अंदर रची हुई, इन्होंने हरकत करनी शुरू की। पहले बना दी लेकिन कोई हरकत नहीं है। जैसे ही सांस फूका सारी की सारी हरकत जो थी वो शुरू होगी, ब्लड जो था वो सर्कल चलना शुरू हो गया, बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ जो भी सिस्टम था वो समझ में आ गया। और जैसे उसने इसके अंदर वो फूका, इसके अंदर से एक रोशनी बाहर निकली, जैसे परमेश्वर जलाली है वैसे ही ये मिट्टी का था परंतु जलाल से भर गया। हालेलुया। इसके उलट हम देखते हैं कि जब लूसीफर को बनाया, परमेश्वर के बनाने के तरीके के ऊपर अगर गौर करें तो यह बंदा लूसीफर के बराबर कुछ भी नहीं है। जिस चीज से उसको रचा गया ना, ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, परंतु जो ये है उसके मुकाबले में वो कुछ भी, क्योंकि लूसीफर में उसने अपनी लाइकनेस और इमेज को डाला नहीं। लूसीफर अराजक करके बनाया था, ये दोस्त करके बनाया गया। हालेलुया। पाप से नफरत क्यों है? कि परमेश्वर के दोस्त को उसका दुश्मन बनाया, इसलिए परमेश्वर ने पाप के ऊपर सजा लाने का सिस्टम मसीह यीशु के वसीले आकर पूरा किया। जो सलीब पर लटका था वो मसीह यीशु नहीं था। हालेलुया। सलीब पर लटकाया गया पाप था और उस पाप पर परमेश्वर ने सजा, अपना क्रोध डाला था। बाकी अदन गतसमनी में जो दुआ कर रहा है ना यीशु मसीह, बहुत सारे खादमों ने पता नहीं कहां से पढ़ते हैं और कह दिया कि यीशु मसीह भी कमजोर हो गया था और अपनी कमजोरी को बागे गसमनी में प्रकट कर रहा है, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो कहते कि वो उसको अपनी मौत का जो सारा मंजर था ना देखकर वो घबरा गया था, इसलिए उसने ये प्रार्थना की। बागी का सामने में जब उसको पकड़ने आए उसने कहा किसे ढूंढते? बोलते यीशु नासरी को। बोलता मैं।